हेलो सत श्रीकाल वेलकम बैक गाइज टू हरी थी बहल एंड ममार रॉक्स मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षर मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत सताल आज ना मौसम बाहर अच्छा हम लोगों के लिए है क्योंकि हम लोगों के सिर पे छत है मतलब ये चीज़ें मेरे को ना रिलेक्स हो जाती हैं पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ऐसा है हस्बैंड ये ब्लॉग देखेंगे ना मेरे को डांट पड़ जाएगी तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्यों मेरे साथ बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं टेंशन लेके फालतू की लोगों की बैठ जाती हूँ तो जब बारिश हो रही थी ना मैंने देखा कल परसों परसों रात को बहुत बारिश हो रही थी तो मिस्टर बहल सैड के चलो बालकनी में बैठ के हम लोग ना चाय पीते हैं रात को हम दोनों का ऐसे ही होता है तो टेन थर्टी के अराउंड टाइम था हम दोनों जाके बैठ गए और मैंने देखा सामने एक दुकान खाली थी शटर नहीं लगा था उसमें कितने सारे लोग इकट्ठे हुए थे कस्टमर आ गए थे तो बीच में छोड़ना पड़ा मौसम ना ऐसे अभी बारिश वाला हो रखा है बाहर तूफान टाइप ठंडी ठंडी हवा है तो लगता है शाम तक शायद बारिश आ जाएगी तो सामने ना दुकानें हैं हमारे उनके सबके शटर लगे हुए हैं एक वाली दुकान का शटर नहीं है तो अभी मतलब वो ना शुरू नहीं हुई है जस्ट दुकान टाइप बने हुए हैं कमरे लाइक तो लोग बैठे हुए थे तो मैं ना ऐसी सोच रही थी मैंने कहा हे ये बेचारे तो मिस्टर बैल सेट के मौसम अच्छा हो गया ना मीनू ठंडा हो गया मैंने कहा हाँ जी तो हम पाँच मिनट जस्ट बाहर बैठे और इतनी बारिश भी हम पे नहीं पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी वो बूंदाबांदी सी पड़ रही थी तो मुझे ठंड लगने लग गई मैंने कहा यार मेरे को बाहर ठंड लग रही है कहते हाँ मौसम अच्छा हो गया देन मेरा मेरे दिमाग में आ गया यार ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं है ना दो बेचारे इनके घर पे इनका घर भी नहीं है फिर कुछ बर्तन कपड़े वगैरह होते हैं लाइक दैट है ना बहुत सारी चीज़ें तो मुझे ऐसी फील हो गया मौसम वैसा सा हो रखा है बाहर टाइम हो रहा है अभी आ, चार बज के मिनट हुए हैं और ज्योति और हरित्वी गए हैं ऊपर चाय लेने मतलब ज्योति चाय बनाने गई है और हरित्वी का होगा अपना कुछ देख लेगी क्या खाना वो कह रही थी मम्मा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है उसका चार बजे स्नैक्स टाइम होता है लेकिन मैं आज शॉप पे सो गई थी क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग से भी नींद वाली दवाइयाँ मैंने शुरू कर दी हैं मॉर्निंग में भी लेनी ताकि मुझे फ़र्क पड़ जाए हरित्वी की छुट्टियाँ हैं तो और ये बंदियों ने इतना गदर डाला हुआ है ये देखिए पीछे आपको दिखे ये पिंक कलर वाला तो इनका डीआईवाई है ये दोनों पता नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या बनाती रहती है ज्योति और हरी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ शॉप पे इतना मतलब ज्यादा चीजें हैं हु इज कमिंग हेयर कोई आ रहा है, है। छः बज के चालीस मिनट और हम आ गए हैं ऊपर और मैं थोड़ा सा ना लेट गई थी बाहर बारिश बहुत है पहले बालकनी में बारिश का मजा लिया फिर थोड़ा सा अब लेट गई हूँ कि थकावट हो ही जाती है तो यहाँ पर इस बंदे ने ना मतलब अपने पूरे बेड को ना ऐसे ऊपर से चदर चुनिया डाल के कवर कर लिया ये कुछ अलग जैसा ही आज इनका कांड हो रहा है और शी शीशेट के मुझे ये तीन चार दिन तक ऐसे ही कांड रखना है इस वाले को बोल रहे थे कि मैंने तीन चार दिन तक ऐसे रखना है ओके ठीक है तो यहाँ पे ये चल रहा है के खाने पे आज मैं थोड़ा सा ढीली सी हो गई हूँ क्योंकि प्याज घर पे ख़त्म है प्याज के बिना क्या बनाऊँ ये नहीं समझ आ रहा और हरित्वी बोल रही है मम्मा वाइट मैक्रोनी खाना है तो सोच रही हूँ वाइट मैक्रोनी बना लेती हूँ है ना तो सामान है वाइट मैक्रोनी का तो अच्छा खासा तो बस वाइट मैक्रोनी बनाऊँगी थोड़ा सा लेट लेती हूँ पहले पाँच दस मिनट क्योंकि अभी टाइम है छः चालीस हुई है ना तो सात बजे बनाऊँगी कुकर में सीढ़ी लगाती हूँ मैक्रोनी को फिर मैं फटाफट से बना लेती हूँ हाँ जी सो गाइस कुकर में मैंने मैक्रोनी डाल के थोड़ा सा ऑयल नमक डाल के इसको एक सीटी पे भी अच्छे पक जाती है लेकिन मैं दो सीटियाँ लगाती हूँ ताकि नॉर्मल सा हो जाए और ये मैं जो मैकरोनी बनाती हूँ ना ये सूजी की मैकरोनी है तो इससे बच्चे को कोई इतना हार्म नहीं और बाहर का मौसम देखिए बहुत अच्छा सा हो रखा था ठंडा ठंडा और पौधे भी बहुत अच्छे खिल गए थे लेकिन इनको इतना पानी बारिश का जो है वो मैं देती नहीं हूँ क्योंकि ये कम पानी में चलने वाले पौधे हैं तो वाइट मैग्रोनी या व्हाइट पास्ता की तरह जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं हमें वाइट सॉस बनाऊंगी इसके लिए तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला और उसमें ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल नहीं है ये कुकिंग ऑलिव ऑयल है जिसमें हम खाना पका तल सब कुछ सकते हैं और उसके बाद डेढ़ चम्मच मैंने मैदा डाला था खाने वाला चम्मच उसको थोड़ा सा भुना और उसके साथ ही मैंने दूध डाल के उसको हिलाना शुरू कर दिया ताकि लम्ब ना बने मैदा का आपने कलर चेंज नहीं करना है जस्ट आधा मिनट लगेगा आपको अगर आप गर्म मक्खन में डालते हो मैदा जल्दी ही भुन जाता है वो घी छोड़ देगा कलर नहीं चेंज होने देना है हल्की सी खुशबू आती है तभी आपको बंद करना है और इसमें मैंने डेढ़ ग्लास दूध डाला है बस दूध को जब शुरू में आप डालते हो ना मैदा में तो उसको थोड़ा सा हिला देना उसी टाइम मैं कहूँगी क्या पहले आप थोड़ा दूध डालिए पूरा दूध मत डालिए जितना सॉस के लिए चाहिए फिर लम्ब नहीं बनते हैं इजीली कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे नमक जाएगा मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई नहीं थी तो आप वो ज़रूर डालें वो जो होता है ना की इंग्रेडिएंट होता है उसके बाद मैंने इसमें ऑर्गेनो डाल दिया है काली मिर्च से टेस्ट गाइस बहुत अच्छा आता है और मेन टेस्ट होता ही काली मिर्च का है इसमें उसके बाद यहाँ पर उबली हुई मैंने मैक्रोनी डाल दी है आप इसमें मटर वग़ैरह उबाल के डाल सकते हैं अच्छे लगेंगे और इसको अच्छे से आपने जो है वो चला देना है अगर आपको ज़्यादा लिक्वड ही रखना है तो आप सोस ज़्यादा बना सकते हो मुझे ठीक ठीक रखना था क्योंकि मैं उसी टाइम बना के उसी टाइम सर्व करती हूँ अगर इसको थोड़ा दिन देर के लिए पड़ा रहने दो तो ये जम सी जाती है इसकी सॉस ना तो फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ा सा मैं दूध ज़्यादा रखती हूँ मैदा थोड़ा सा कम ही जो है इसमें रखती हूँ बस रेडी टू सर्व है उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने एक वीडियो शूट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आपने ये वीडियो शॉर्ट्स पर देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी ये वो चल रहा है ना आजकल कल सरकार कदम लंबे हैं हमसे वो वाला शूट किया था आई वॉज मिसिंग मिस्टर रियल इन रियली बताऊँ तो तो खाना बना के मैंने हृथ्वी को खाने के लिए दे दिया था और फ्रिज वगैरह साफ़ कर दी मैंने सारा किचन विचन इस टाइम पे मैं साफ़ कर रही थी और ये मैंने ऑयल डिफ्यूज़र लगाया जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ना ये मेरे बच्चों ने मदर्स डे पे मुझे भेजा था लेकिन मेरे पास ऑयल नहीं उन्होंने भेजा था तो ये कम्प्लेंट है ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइज़ और आज सुबह का नाश्ता हमारा जो है हम दोनों ने माँ बेटी ने कर लिया था और मेरा प्लान था आज मुझे हेयर स्पा करना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से घर पे हेयर स्पा करती हूं और उसके लिए मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूं मैं अपने लिए मैट्रिक्स का शैम्पू और मैट्रिक्स का ही ये हेयर स्पा क्रीम है पैक है ये और ये मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने हेयर स्मूदनिंग कराई है तो वहीं से मैं भैया से लेके आई थी उन्होंने मुझे दिए थे आपको नॉर्मल जो है टैप वाटर से अपना हेयर वॉश कर लेना है स्मूदनिंग के बाद आपको एक महीना हेयर्स में ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है तो मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ तो तो थोड़ा सा पानी लेके उसमें आपको शैम्पू को डिल्यूट करके फिर अपने हेयर्स पे लगाना है फिर मेरे बाल वैसे भी छोटे हैं तो जस्ट थोड़ा सा ही शैम्पू जो है वो मेरे हेयर्स में लगता है अच्छे से वॉश करने के बाद शैम्पू को पूरी तरह से आपको अपने हेयर्स में से निकाल देना है और उसके बाद एकदम से आपको इस तरह से स्क्वीज करते हुए पानी को बाहर निकालना है फिर टावल लेना है टावल से जस्ट डैप करना है इसको रगड़ना नहीं है जस्ट आपको एक्सेस वाटर जो है ना वो बाहर निकालना है और उसके बाद आपको थोड़े थोड़े पोर्शन अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके थोड़ा थोड़ा आपको हेयर स्पा क्रीम लगानी है क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं तो मैंने एजा कंडीशनर क्या किया था जैसे दो बार मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो है वो हेयर स्पा क्रीम ली थी और बस इतनी सी और इसको आप अपने हेयर्स पे इस तरह से पूरा लगा लो स्किन पे आपको ये नहीं लगाना है जस्ट आपको अपने हेयर्स पे रूट्स पे अच्छे से लगाना है स्कैल पे आपको इसको नहीं लगाना होता तो अगर आपके बाल बहुत हैवी हैं लेंथी हैं तो आप थोड़ थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके जिस तरह से आप ऑयलिंग वगैरह करते हो आप किसी से लगवा सकते हो पैक को लेकिन स्किन पे अवॉइड करें और उसके बाद आपको अपने हेयर्स को लाइटली जो है वो टाई अप करके जो है पंद्रह बीस मिनट तक छोड़ देना है आधा घंटा छोड़ें वेल एंड गुड फिर आराम से आपको टाप के नीचे इनको वॉश कर लेना है शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है थोड़ी सी सीरम जो है वो अप्लाई कर लेनी है क्योंकि अभी टाइम था गाइज हेयर स्पा की अलग से वीडियो भी मैं गाइस डिटेल में डाल दूंगी मेरे पास अभी टाइम था बहुत सारा तो मैंने क्या किया आपने जो है ना वॉशरूम में सर्फ लगा लिया आपको पता है कि मैं टाइल क्लीनर वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती बिकॉज मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है <laughs> तो मैं एक डिब्बा भर के डिटर्जेंट का रखा हुआ है बस एक चम्मच वो डालती हूँ क्योंकि मुझे वॉशरूम रोज़ ही साफ़ करना होता है है ना तो मैं बस थोड़ा सा जो है वो सरफ़ डाल के वॉशरूम क्लीन कर लेती हूँ तो मैंने सर्फ लगा के रख दिया है दस मिनट के लिए और यहाँ पे मैंने अपने वॉश बेसिन सिंक को भी इसी तरह से जो है वो सर्फ से रोज ही साफ़ कर लेती हूँ ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कोई हार्ड स्टेन्स नहीं होते हैं जिसके लिए मुझे केमिकल यूज़ करना पड़े कलर्स वगैरह ज़्यादा वॉश बेसिन पर लगे होते हैं क्योंकि हरित्वी कलरिंग करती रहती है तो फिर इसलिए वॉश बेसिन हमारा ज़्यादा गंदा होता है अदरवाइज तो इतनी गंदगी मेरे घर में होती नहीं है क्योंकि मैं डेली पे टाइम टू टाइम हर चीज़ को क्लीन करने पर विश्वास रखती हूँ चाहे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो लेकिन फिर भी जो जिन चीज़ों को मेरे केयर की जरूरत है वो मुझे करने ही करने हैं और उसके बाद मैंने अभी वॉशरूम को धोना था तो मैंने सोचा चलिए जी पहले हम फेशियल भी कर लेते हैं एक्चुअली ये सेल्फ ग्रूमिंग ब्लॉग भी कह सकते हो क्लीनिंग ब्लॉग भी कह सकते हो जैसे भी आपको चलाया ना आप इसको चला सकते हो जस्ट अ डे मैंने आपके साथ अपना जो है वो शूट किया है कि अपने लिए मैं किस तरह से करती हूँ तो यहाँ पर मैंने अरोमा मैजिक की किट पड़ी हुई थी मेरे पास इसमें से मैंने ये तीसरा फेशियल है जो मैं आज कर रही हूँ मैंने इसके आपके साथ शेयर किया था लेकिन मैंने आज बहुत ज़्यादा डीपली या बहुत टाइम नहीं लगाया जस्ट दस मिनट में बस अपनी स्किन को ना एक क्लीन अप दिया और डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो है आप देख सकते हो पंद्रह मिनट के लिए हम इस पैक को छोड़ेंगे तब तो तक हम अपना जो है वॉशरूम जिसमें मैंने सर्फ़ लगा के रखा है उसको अच्छे से धो लेंगे बस इसी तरह का ये मेरा दिन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बस यहाँ पे एक ये मैंने हैंडल सा रखा हुआ है जिससे स्टील बूश लगा हुआ है बस उससे मैं अच्छे से जो है पहले सरफ को रगड़ लूँगी और उसके बाद पानी डाल के जो है पूरे वॉशरूम को क्लीन कर दूंगी ये वाली जो सफाइयाँ हैं मैं सवेरे डेली उठ के कर लेती हूँ ताकि पूरा दिन फिर मुझे शॉप पर रहना होता है तो घर के लिए टाइम नहीं मिलता और जब उस शॉप से वापस आऊँ तो सब कुछ खिलखिलाता मिले उसके बाद हम हो गए थे रेडी शेडी बस इसी तरह हेलो सत श्रीकाल जी वेलकम बैक टू रित्वी बहल एंड मामा रॉक्स शाम का टाइम है और साढ़े चार पाँच ही बजने वाले हैं पौने पाँच पाँच बजने वाले हैं और हृथ्वी पता नहीं क्या क्या कर रही थी ड्राइंग व्राइंग मेरे मुंह पे भी कर गई हरी ज्योति के हैंड्स पे भी कर गई ज्योति गई है चाय लेने के लिए और हरित्वी गई है अपना एक स्नैक कूपर ले लेगी जो भी उसको खाना होगा अभी तो उसने आइसक्रीम मांगी है पर मैंने ज्योति को बोला है कि अगर मांगती है तो उसको मैंगो शेक में दोपहर को लंच टाइम फ्रिज में बना के रखाई थी वो दे देना तो देखते हैं वो क्या लेती हैं तो आ, बस कुछ नहीं और डेली ऐसे ही चल रहा है जो डेली रूटीन होता है अभी मैं बैठी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो ऐसा होता है ना कि पता नहीं यूट्यूब वाई स्टूडियो में मेरी कुछ ऐसे सेटिंग हो गई है मुझे पता नहीं है और मुझे भी किसी बच्चे ने मैंने पूछा तो बताया कि कोई सेटिंग होती है जिसमें आप कुछ कमेंट्स को आंसर करते हो तो वही रहते हैं और दूसरे नहीं रहते आपको शो नहीं हो रहे हैं ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है मुझे पता नहीं अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे ना इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है और और क्वेश्चन था कुछ फेस वॉशेज़ के रिव्यू कुछ फ्रेंड्स जानना चाहते थे तो मैंने उनके शायद किए हुए हैं मेरे भी अब ध्यान में नहीं है मैं चेक करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा तो मोर ओवर विटामिन सी फेस वॉश के बारे में आप बहुत जानना चाहते हो क्योंकि मेरी वीडियोस में ब्लॉग्स में भी आपने देखा है कि मैं विटामिन सी फेस वॉश तकरीबन रिथ्वी के पापा इससे छुट्टी तीन मंथ हो गए हैं तीन मंथ इससे बड़ी बॉटल थी ब्रश वाली वो अब ख़त्म होने वाली होगी मैं वो यूज़ कर रही हूँ तो मेरे फेस पे पिगमेंटेशंस थी तो उस लिए हाथ से मुझे अच्छा खासा इसका रिव्यू वैसे भी पता है और आपको पता है कि मैं ना बहुत कंजूस टाइप हूँ अगर एक बॉटल ले ली है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होती मैं दूसरी नहीं लगाती हूं, तो वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी Uh, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसके साथ भी वो भी चीज़ शेयर करूँगी तो ये वीडियोस आप चाहते हो तो मैं देखती हूँ अभी शूट कर लेती हूँ वैसे तो ऐसा कुछ मन है नहीं बट अभी शूट कर लेती हूँ प्रॉब्लम इज़ दैट कि मिस्टर बहर गुस्सा हो गए हैं वो ब्लॉग्स में देखते हैं कहते हैं कि तू बड़ी uh, इतना मैं उनको बताती हूँ कि जो पूछते ना क्या कर रही तो मैं कुछ कुछ नहीं बस बैठी हुई हूँ कुछ नहीं बस बैठी हुई हूँ हु तो कहते मैंने ब्लॉग देखी क्योंकि वो डेली ब्लॉग नहीं देख पाते हैं बाहर तो उनको टाइम लगा होगा तो उन्होंने ब्लॉग देखे कहते तू बहुत रगड़ा चढ़ाती है बहुत तेरे को क्या प्रॉब्लम है तू आराम नहीं कर सकती हो बहुत डांट पड़ी बहुत डांट पड़ी और मतलब खुशी भी हुई उनको बहुत फिक्र है लेकिन ना डांट पड़ी तो थोड़ा सा फील भी हुआ तो इसलिए ना मैं बस सफाइयाँ सफइयाँ थोड़े टाइम के लिए छोड़ रही हूँ साइड कुछ नहीं होता आ आ जाएंगे ये आ जाएगा वो आ जाएगा जाले लग जाएंगे कुछ नहीं होता खाना बना सो जा खाना बना शॉप पे जाना है, जा नहीं जाना है, ना जा शॉप को लॉक लगाना है लगा दे कुछ नहीं देखना सो जा बस सो पर उनको कौन समझाएगा अगर मैं सो गई तो रिथ्वी कौन देखेगा है ना तो अगर पृथ्वी को देखना है तो वैसे भी मुझे ले लगता है जान जितनी चलती जाए बेहतर है और शॉप पे आके इतना काम नहीं होता मैं शॉप पे अब सफाइयाँ वफाइयाँ शॉप को इतना सीरियसली सफाइयों का नहीं देखती हूँ जितना उसको ज़रूरत है उतना ही देखती हूँ सारा तो ज्योति देखती है लेकिन फिर वो मानते ही नहीं है वो मानते नहीं है तो वो बहुत डांटते हैं इसलिए मैं अब सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट मोड पर जाऊँ इसलिए मैंने अभी ना वीक से कुछ भी ऐसा एज सच इतनी हाई फाई ब्लॉगिंग भी नहीं की है और अगर मैं सफ़ाई करूँगी भी या कुछ ऐसा हैवी काम भी करूँगी ऐसा कुछ भी करूँगी मैं उसको शूट नहीं करने वाली गाइस क्योंकि तो फिर ना वो कहते ना पंजाबी के पाई जुतियाँ बहुत पहन गियाँ चाहे गालियाँ निकले जुतियाँ बहुत पहन गियां उनको नहीं पसंद है तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तो हस्बैंड की बात माननी पड़ती है और देखते हैं क्या शेयर करते हैं फिर आपके साथ बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी और दो तीन वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही है स्पेशली फेस वॉशेस की आ रही है तो मैं ज़रूर शूट करके आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी वैसे मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी डालती रहती हूँ इन चीज़ों के साथ रिलेटेड आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा अकाउंट है मीनाक्षी पहल करके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और कोशिश करूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स डालने की भी वहाँ पे भी देखिए फेस वॉश ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है सॉप से बहुत बेहतर आपको साबुन अपने चेहरे पर नहीं लगाना है लेकिन ऐस सिर्फ इतना कि आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए ऑयली स्किन के लिए ले लीजिए समर में किस क्या चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए लेकिन किसी फेस वॉश के पीछे भागना मतलब मैं कहना चाहती हूँ मान लीजिए आपके पिंपल हैं तो बनता है कि आपको नीम फेस वॉश चाहिए लेकिन अगर किसी ने कह दिया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ गया कि ये जी ये नीम का है बहुत अच्छा है और आपको जरूरत भी नहीं है जैसे मेरे एक्ने है नहीं है ऑयली स्किन है तो मैं फालतू में नीम का क्यों लेके बैठ जाऊं और मेरे पास एक बॉटल पड़ी है वो मेरे को अच्छी खासी स्किन को सूट कर रही है मार्केट में नया आ गया तो क्यों भागना है भाई इतने ज्यादा पैसे आ रखे हैं जिनके पास वो तो भागे जो पाँच पाँच छे बॉटल्स एक टाइम पे रख सकते हैं और नजायज़ज़ खर्चा क्यों करना है ना दैट्स वाई तो बहुत लंबी छिट हो गई है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और सोचूंगी क्या शेयर करूँगी आपके साथ सोच रही हूँ वीडियोज़ ही शेयर कर दूँ अब तक रेस्ट मोड पे चली जाऊँ क्योंकि ही साइड के हृथ्वी की छुट्टियों में रेस्ट नहीं करेगी फिर उसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे फिर तेरी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी तो तू कब रेस्ट करेगी तो उनको भी सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है भाई हस्बैंड हस्बैंड को सीरियस लेना सबसे जरूरी है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहरन हमारा उस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बाय सत श्रीकाल